खवातीन हजरात, क्या आप में से किसी को किसी तरह का इस निकाह से कोई एतराज है? या अल्लाह, जब कुछ समझ में ना आए तो सब कुछ तुझी पे छोड़ देना चाहिए। मैंने भी सब कुछ तुझ पे छोड़ दिया है। अगर सच में कुछ गलत हो रहा होगा तो शायद एतराज जरूर करेंगे। जन्नत मोहब्बत आपको ये आखिरी मौका दे रही है। अगर आपको इस निकाह से एतराज है तो अब भी बोल दीजिए। मैं जानता हूँ कि आपके दिल में क्या है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अपने दिल की सुनकर ये हिम्मत आप खुद करें। काजी साहब, किसी को कोई एतराज नहीं है, आप निकाह शुरू कीजिए। जी बेहतर है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام اسد احمد خان آپ کا نکاح آہل رضا ابراہیم کے ہمراہ مئے نان نفقے کے 5,00,000 روپے سکہ رائج الوقت مقرر کیا گیا ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے आहिल रजा इब्राहिम से निकाह? क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। I promise you कि सनम और आहिल को मिलाने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे सब तरफ सिर्फ आहिल का चेहरा नजर आता है, सिर्फ आहिल की आवाज सुनाई देती है। मुबारक हो, निकाह मुकम्मल हो गया। अब आप मियां बीवी के रिश्ते में बन चुके हैं। इस अज़्दवाजी जिंदगी से ताउम्र आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। खुदा ने दो धड़कते दिलों को मिला ही दिया। शाद को उसकी जन्नत मिल गई, और जब शाद को उसकी जन्नत मिल गई तो फिर आपको आपकी सनम तो मिल ही नहीं सकती। वो दोनों दो जिस्म और एक जान हो, उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। और अब जब उनका निकाह हो ही गया है तो सुहाग रात भी मनेगी ना।